मॉसरोज पोर्चुला का 9 o'clock। दोस्तों अगर इन पौधे में आपके फूल नहीं आ रहे हैं भर भर के, तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से जो है आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पोर्चुला का पौधे के बारे में कि अगर फूल नहीं आ रहे हैं सही मात्रा में, हमें बहुत कुछ जो हमने देख लिया फिर भी क्या है फूल अच्छे तरीके से जो है नहीं मिल पा रहे हैं हम, तो आज मैं जो एक फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ, अगर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधों पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है भरपूर मात्रा में जो है फूल देखने को मिलेंगे, भरपूर मात्रा में क्या है कलियां वगैरह जो है बनेंगी और फूलों की जो साइज है वो काफी अच्छे से आएंगे। क्या है मतलब हमें क्या है अच्छे तरीके से भर भर के जो है फूल देखने को मिलेंगे। बात करें पोर्चुलाका की तो दोस्तों पोर्चुलाका में दो वैरायटी आती है, एक तो हाइब्रिड पोर्चुलाका होते हैं जिनमें कलरों की जो संख्या है बहुत ज्यादा आती है। आपको तरह तरह के कलर जो है मिल जाएंगे, बिल्कुल सॉलिड कलर में मिल जाएंगे, वेरीगेट मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है इनके शेड मिल जाएंगे। और एक तो देसी होता है, देसी तो दोस्तों हमेशा सालों साल अपने गार्डन में जो है बना रहता है, लेकिन क्या है जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो सीजनली होते हैं, अगर हम इनको सेव कर लेते हैं तो ये बच जाते हैं। और जो देसी वाले होते हैं वो आप कहीं पे भी रख दीजिए, बस विंटर में थोड़ी सी हमें ओस से बचाना होता है, तो जैसे ही सीजन आता है वो फिर से जो है हरा भरा हो जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो और जो क्रीम कलर में है, ये बिल्कुल जो है हाइब्रिड वैरायटी के पोर्चुला का है, बहुत अच्छे से जो है इनकी फ्लावरिंग चल रही है। और ये है देसी वैरायटी के, सफेद कलर में है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइजर जो दे हम ताकि पौधे में जो अच्छे तरीके से भर भर के जो हमें फूल देखने को मिले। तो ये देखिए जो क्लिप है ये फर्टिलाइजर देने से पहले की है और फर्टिलाइजर देने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं हम फर्टिलाइजर की, कौन सा ऐसे खाद दे ताकि पौधे में जो अच्छे तरीके से भरपूर मात्रा में जो है फूल हमें देखने को मिले। तो ये देखिए क्या है, ये है दोस्तों अनियन पील फर्टिलाइजर। अनियन पील फर्टिलाइजर बनाने का सिंपल तरीका है, अनियन के क्या है सूखे हुए छिलके ले लीजिए और उनको क्या है पानी में भिगो दीजिए, 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए भी जो है भिगो देंगे तो भी चलेगा। और दोस्तों इस अनियन पील में एक चीज इस्तेमाल करने है, ये है दोस्तों फिटकरी यानी कि एलम। तो इसका इस्तेमाल करना है हमने, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इट मीन्स की किराना शॉप जहाँ पे होते हैं या जो पंसारी वाले होते हैं उनसे मिल जाएगा। वैसे मुझे ढूंढने में काफी टाइम लग गया, मुझे मिला नहीं इजली, तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे वहाँ पे सारी चीजें रखते हैं तो उन पे ही जो है मुझे दिख गया तो मैं ले आई। तो बस ये जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही जो है गुणकारी होते हैं पौधों के लिए, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आएंगे तो बहुत टाइम तक ये जो है पौधों को जो है हम दे पाएंगे। तो ये देखिए पूरा जो है 25 रुपए का जो पैकेट है मुझे मिला है, बहुत चीप रेट है, बहुत सस्ते में जो है ये मिल जाते हैं। तो करना क्या है, हमने छोटी सी क्रिस्टल ले लें, यहाँ पे देखिए 500 ml जो है पानी है इनमें, और इनमें क्या है छोटा सा क्रिस्टल मैंने इनमें डाल दिए हैं। और डालना हमने कब तक है, कितने देर तक डालना है, तो देखिए क्रिस्टल क्या है बिल्कुल छोटा सा है, ये डाले हुए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या है घंटा रखना है, इससे ज्यादा हमें नहीं रखना है। तो ये क्या है मैंने आधे घंटा रखा हुआ है, देखिए क्रिस्टल कितना छोटा है और पानी जो है 5 ml जो है 500 ml है, 5 ml जो है गलती से निकल जा रहा है मुझसे सॉरी। और देखिए कुछ पानी इस तरीके से जो है कलर चेंज हो जाए, देखिए बिल्कुल जो है व्हाइट व्हाइट सा हो गया। तो ये देखिए जो बन के रेडी हो गया है, या फिर आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो दोबारा से जो हमने निकाला ये दोबारा से हम रख देंगे सेव करके, दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। या फिर पाउडर फॉर्म में जो है अपने पीस लेना है और जैसे 500 ml पानी ले रहे हैं उनमें क्या है जो एक चौथाई पार्ट जो है चम्मच, छोटा सा चम्मच लेना है उतना हमने डालना है। तो देखिए क्वांटिटी का जो है हमने ध्यान देना है, ज्यादा हमने नहीं लेना है। तो चलिए अब फर्टिलाइजर जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने बकेट और बकेट में जो है फर्टिलाइजर है इनको हम डाल देते हैं। अनियन पील को क्या है छानना जरूरी है, इसलिए क्या है सबसे पहले क्या है आप छान लीजिए ताकि इनके जो कण है वो जो है ना जा पाए, और ये जो छिलके बचे हुए हैं इनसे क्या है हम दोबारा से जो है फर्टिलाइजर हम बना सकते हैं पौधे के लिए। तो ये देखिए ये जो है मैंने छान लिया, और ये भी जो फिटकरी का पानी है, एलम का पानी है, वो भी जो इसमें जो है मिक्स कर दिया, और इनमें क्या है हम जो है दोबारा से नॉर्मल पानी जो है टैप वाटर मिक्स करेंगे, वो करेंगे दोस्तों 4 गुना। तो एक पार्ट हमने फर्टिलाइजर डाल दिया और 4 पार्ट क्या है हमने पानी जो है सिंपल सा डालना है, ये ध्यान रखिएगा रेशियो का, रेशियो में जो है गड़बड़ मत कीजिएगा, अगर कम रहा तो भी क्या पौधों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। तो ये देखिए 4 डब्बे जो है मैंने नाप के इनमें पानी डाल दिए, अब क्या हमारा जो है फर्टिलाइजर जो है बन के रेडी हो जाएगा पौधों के लिए। देखिए तो देखिए पानी का जो है कलर किससे चेंज हो गया, डार्क से बिल्कुल लाइट कलर हो गया, तो ऐसे जो है पानी जो है होना चाहिए फर्टिलाइजर का। अब ये जो है फर्टिलाइजर बन के रेडी हो गया पौधों को जो है पिलाने के लिए। तो ये रहा कंटेनर, और इनमें क्या है जैसे ये गमला बहुत बड़ा है तो इनमें क्या है
एक लीटर के करीब जो है, एक लीटर तो नहीं है दोस्तों, 700 ml जो है पानी है मैंने डाला हुआ है। और ये क्या है पानी, हम जो है हफ्ते हफ्ते जो अपने पौधों को जो है दे सकते हैं। तो इनमें क्या है, अन्य पिल का फर्टिलाइजर मैंने पिछले वीक भी डाला हुआ है, तो ही जो है मुझे अच्छे से जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और छोटे छोटे डब्बे में भी लगाए हुए हैं, तो सब में जो है डाल देंगे। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए अन्य फर्टिलाइजर तो आप अपने पौधों पर वीकली तौर पर जो है डाल सकते हैं, चाहे जो भी पौधे हो, लेकिन जो फिटकरी है वो कब इस्तेमाल करना है, फिटकरी जो है हमने महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, फिटकरी का पानी या फिटकरी आप डायरेक्ट डाल रहे हो पौधों में, तो महीने में जो एक बार हमने इस्तेमाल करना है, वीकली वीकली या 15 दिन के गैप पे नहीं करना है, कम से कम क्या है महीने का जो है टाइम देना है। तो दोस्तों जो प्याज के छिलके हैं पौधों के लिए बहुत ही फायदे पहुंचाते हैं। अनियन पील में क्या है भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, और इसके अलावा जो है इनमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर की भी मात्रा होती है। और इसके अलावा क्या जो विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन की बात करें तो इनमें क्या है ECA पाए जाते हैं, और अनियन के पील में जो है एंटीऑक्सीडेंट के भी जो है गुण पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी जो है फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाता है। और बात करें हम फिटकरी की, तो फिटकरी देखिए, अगर कई बार क्या होता है पौधों पे हम ज्यादा खाद दे देते हैं, तो इससे क्या है जो सॉइल मीडिया होता है ज्यादा जो है एसिडिक होने की वजह क्षारीय हो जाता है, यानी कि जो सॉइल मीडिया चेंज होता है, जिससे क्या है पौधे जो है जो भी हम खाना देते हैं तो वो सही से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, लेने में जो सक्षम नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हम सॉइल मीडियम में वो खाना लेते हैं, ज्यादातर क्या है पौधे जो होते हैं एसिडिक जो है मीडिया को लाइक करते हैं, तो जो पोर्चुलाका है एसिडिक मिट्टी को ज्यादा लाइक करता है। तो गलती से अगर ये चेंजेस आ जाते हैं तो पौधे जो है जो भी हम खाद देते हैं, हम दे ही जाए लेकिन क्या है ये जो है कंज्यूम नहीं कर पाते हैं न्यूट्रिएंट, और इसीलिए क्या है इनमें जो है जो रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। इनकी पत्तियों में जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, पत्तियां शाइन नहीं करेंगी, जो फूल है कलियां नहीं बनेंगी, बनेंगी भी तो कम आएंगी। तो इसीलिए जो पौधे की मिट्टी है, मिट्टी को अच्छे से हेल्दी बनाने के लिए हम क्या है फिटकरी का जो है पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा काम ये करेगा, थोड़ी सी फंगस जो लग जाते हैं पौधों में वो जो है नहीं पनपने पाएंगे इस पानी। तो ये तो हो गई फर्टिलाइजर की बात। अगर हम केयर की बात करें तो इनको क्या है फुल डे की सनलाइट में रखिएगा, तो ही जो है इनके जो है फ्लावर ओपन होते हैं, खिलते हैं। और दूसरा काम ये करना है कि जब भी हम इनको पानी दे तो पानी थोड़ा सा कंट्रोल में दीजिएगा, इनको भर भर के जो है पानी मत दीजिएगा। अगर देख लीजिएगा अगर गमले की मिट्टी क्या है ड्राई होगी तो ही जो है दोबारा से वॉटिंग कीजिएगा। अगर मिट्टी पहले से ही गीली है अगर आप पानी देते हैं तो प्रॉब्लम आती है, पौधा क्या है गलना शुरू कर देता है। तो इसलिए पानी का जो है अपने ध्यान रखना है, पौधे को क्या है फुल डे की सनलाइट में रखिए, पानी पे कंट्रोल कीजिए, पानी जो है चेक करके दीजिए। और आप अनियन पील, बनाना पील फर्टिलाइजर को जो है आप गैप दे के वीकली वीकली तौर पे फीड कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों सस्ते में कितना स्ट्रॉन्ग हाई पावरफुल जो है फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाएगा, अनेक तरीके हमें फ्री में मिल जाएंगे। और फिटकरी का रेट आपने देखा ही सामने, बिल्कुल सस्ते में जो है मिल जाएगा। तो अगर एक बार छोटा सा टुकड़ा भी लेके आएंगे तो बहुत टाइम तक जो है अपने पौधों को जो है दे सकते। तो इस फर्टिलाइजर को बनाइए और अपने पौधों में दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।